हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड बेसिक साइंस के कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम इस टॉपिक से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि ह्यूमिडिटी यानी कि उमस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ये इमेज है हाइग्रोमीटर की और इसका यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि एयर, सॉइल और कन्फाइंड स्पेस में वाटर वेपर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी स्प्लीन। यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑर्गन को ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्प्लीन। स्प्लीन को ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड को स्टोर करता है और उसको प्यूरीफाई करता है और हमें बीमारी से लड़ने में मदद करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पीएच ऑफ द ब्लड इज ऑप्शन ए 5.4, ऑप्शन डी 6.4, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.4। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.4। जो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 तक होता है। यहाँ पर ब्लड पीएच का स्केल दिया गया है। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। अगर 7.3 से कम होता है तो उसको एसिडिक बोला जाएगा। अगर 7.4 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी तो उस ब्लड को एल्कलाइन या फिर बेसिक बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी हेमाटोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड की स्टडी और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमाटोलॉजी। ब्लड और उससे जुड़ी बीमारी की स्टडी करने को हेमाटोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द ब्लाइंडनेस कॉज्ड ड्यू टू डायबिटीज इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए रेटिनोब्लास्टोमा, ऑप्शन बी रेटिनोपैथी, ऑप्शन सी मायोपिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायबिटीज की वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेटिनोपैथी। डायबिटीज की वजह से होने वाले अंधेपन यानी कि ब्लाइंडनेस को रेटिनोपैथी बोला जाता है। इसमें शुगर यानी कि डायबिटीज की वजह से आंखों के पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं वो खराब होने लगती हैं, जिससे कि हमारी जो रेटिना है वो खराब हो जाती है और इसको फिर रेटिनोपैथी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्टडी ऑफ सीरम ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड के सीरम की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेरोलॉजी। जब सारी ब्लड सेल्स क्लॉट हो जाती हैं तो उसके बाद एग वाइट जैसा दिखने वाला जो लिक्विड बचता है उसको सीरम बोला जाता है और इसी की स्टडी करने को सेरोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी क्लॉटिंग, ऑप्शन डी मेकिंग इम्यून सिस्टम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड के प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लॉटिंग। जबकि ब्लड वैसे रप्चर होती है और इसमें से ब्लड बहने लगता है तो जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ये वहाँ पर जाके ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं और इसी क्लॉटिंग की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है और इस तरह से ब्लड फ्लो को ये रोकने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, द सेल कंपोनेंट विच कंटेन डीएनए इज कॉल्ड। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी गॉल्जी बॉडीज, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वो सेल कंपोनेंट कौन सा होता है जिसमें कि डीएनए होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लियस। वैसे तो सेल में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं बट जिस कंपोनेंट में डीएनए होता है उस कंपोनेंट को न्यूक्लियस बोला जाता है और ये न्यूक्लियस ही पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी सिजोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी मैग्नेटोमीटर।
यह क्वेश्चन ने पूछी गया है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्फिग्मो मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है और इसको आम भाषा में बीपी मॉनिटर भी बोला जाता है जो कि सबके घरों में नॉर्मली होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी थायमस ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ग्लैंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की जो पोजीशन होती है वो किडनी के जस्ट ऊपर होती है और इस ग्लैंड का काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए 10 पेयर्स, ऑप्शन बी 12 पेयर्स, ऑप्शन सी 20 पेयर्स, ऑप्शन डी 14 पेयर्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में रिब्स के कितने पेयर होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 पेयर्स। ह्यूमन बॉडी में रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में रिब्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। इसमें 1 से 7 नंबर के पेयर की जो रिब्स होती हैं उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है और बाकी की जो 5 होती हैं उनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। लास्ट की जो रिब्स होती हैं 11 और 12, उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है क्योंकि इनकी जो अटैचमेंट होती है वो स्टर्नम के साथ नहीं होती है और ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। ऑप्शन ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी स्प्लीन। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन से ग्लैंड के द्वारा हॉर्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हॉर्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और ये इसमें कई सारे ऑर्गन आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी आता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए 50 to 140 mmHg, ऑप्शन बी 100 to 180 mmHg, ऑप्शन सी 80 to 120 mmHg, ऑप्शन डी 120 to 80 mmHg। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 80 to 120 mmHg। तो यहाँ mmHg है ये ब्लड प्रेशर की यूनिट है और उसको इस यूनिट में मेजर किया जाता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ऑप्शन ए अल्फा रेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी बीटा रेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गामा रेज। गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर होती है सबसे ज्यादा होती है और इसको रोकने के लिए मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन डी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्काई होता है उसका कलर ब्लू किस वजह से दिखता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई के ब्लू होने का रीज़न ये है कि जब सनलाइट अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करती है तो जो एटमोसफेयर है वो सनलाइट की जो ब्लू लाइट है उसको स्कैटर करता है, जिसकी वजह से स्काई का जो कलर है वो ब्लू हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, पेनिसिलिन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम। ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी एल्गाई, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन पूछे गए कि पेनिसिलिन इसमें से किस ऑप्शन में से एक्सेप्ट की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फंगस। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसको फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि इसमें से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी ब्रेन। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें से किस ऑर्गन में होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में होता है और ये बहुत से हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, गोइटर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी आयरन। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गोइटर जो कि थायराइड ग्लैंड की एक स्वेलिंग होती है वो किसकी कमी के कारण होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। दोस्तों बॉडी में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है और इसी को गोइटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन।
ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी। यहाँ जो विटामिन बी है वो वाटर सोल्यूबल है और बाकी जो विटामिन है वो फैट सोल्यूबल है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी क्रायोमीटर, ऑप्शन डी टैकोमीटर। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि ऑब्जेक्ट के वेरी लो टेम्परेचर यानी कि बहुत कम टेम्परेचर को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के सबसे कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।